मुक्त भारत मिल जाएगा, भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा आ जाएगा, हम टैक्स फ्री भारत में होंगे। जब टैक्स फ्री भारत, टैक्स हेवन भारत होगा और इतना बड़ा मार्केट होगा और इतने बड़ा दिमाग वाले लोग हैं, तो बताओ सब कंपनियां भारत में दौड़ लगाएंगी कि नहीं लगाएंगी? क्या सोचते हैं आप? और यदि हम अपनी जड़ी बूटियों को और उसके निरोगी और दीर्घायु वाली जड़ी बूटियां मिलाएंगे, तो हमारा जो है, जो खाद्यान्न जो है ना, खाद्यान्न थोड़ी, वो तो अमृत बन गया। हम उसे अपने देशवासियों को 3 MSP पे बेचेंगे, लेकिन बाहर तो हम उसे 10 MSP से 100 MSP पे बेचेंगे। जिसको खरीदना हो खरीदे, ना खरीदना हो ना खरीदे। हमारी लॉन्गिटिविटी वाली जड़ी बूटियों का जो हम खाद्यान्न बनाएंगे, उसे विश्व का हर व्यक्ति खरीदना चाहेगा, और जिस कॉस्ट पे आप बेचेंगे उस कॉस्ट पे खरीदेगा। लेकिन हमारी तो आदत खराब है, हम अपना रॉ मटेरियल बेचते हैं और फिनिश प्रोडक्ट जो है ना, उसे 10 गुना कीमत पे खरीदते हैं। यही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यही अंग्रेजों के समय हुआ, यही अभी हो रहा है। जापान को हम और बेचेंगे और उनसे फिनिश प्रोडक्ट लेंगे। भाई इंडिया इज नंबर वन इन ओर्स, रॉ मटेरियल में हम जो है ना क्यों नंबर वन है? हम फिनिश प्रोडक्ट बेचने में क्यों नंबर वन नहीं है? और हम तो कह रहे हैं कि नॉट ओनली फिनिश प्रोडक्ट, हम जो है ऐसे लॉन्गिटिविटी वाले, ऐसे जो है ना स्पेशलाइज चीजों को बेचें, जो हम जिस भाव पे बेचें उस भाव में बिकने की क्षमता हम पैदा कर पाएंगे। भारत में कितना, कितनी समृद्धि होगी। हमारे पेड़ों की संख्या 3 गुना, गायों की संख्या 10 गुना, पानी फिर से 8 फीट पे आ जाएगा। हमें पानी वाटर बॉटल में नहीं लेना पड़ेगा। हमारे उसमें कोई हानिकारक जो है ना पदार्थ लीच होके जो है ना अंडरग्राउंड वाटर में नहीं पहुंचेंगे। ऐसा अच्छा भारत हम क्यों नहीं चाह रहे हैं? हम कहां सोए हुए हैं और क्यों सोए हुए हैं? क्या हम इतने दुष्ट हैं कि अपने ही घर वालों को हम कैंसर और ऑटो इम्यून डिसीज से पीड़ित देखना चाहते हैं? क्या हमें अपनी दुष्टता पर लज्जा नहीं आना चाहिए? हम किस मिट्टी के बने हुए हैं? मिस्टर हरीश, मेरी कड़वी बातें आपको खरी खरी बातें कितनी ठीक लग रही हैं? आपका रिस्पांस नहीं आता है, बहुत डिलेड रिस्पांस आता है। नहीं सर, माइक म्यूट है। हैं? आप म्यूट मत किया करिए। नहीं सुन रहा हूं। हाँ नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूं कि जो बातें मैं कह रहा हूं, आप क्या उससे असहमत हैं? क्या आप उसमें कुछ बदलाव चाह रहे हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम सब लोगों को पूरी ताकत से लग जाना चाहिए, 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा, 10वें दिन जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है ना हमारी बात मानने के लिए बेबस होंगे और हम उन्हें 303 की जगह 543 सीटें दिला देंगे? इसको करने में क्या हमारे 5 पैसे खर्च हो रहे हैं? क्या हमें कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है? कहीं हमें जाना पड़ रहा है? जंतर मंतर पे जाना पड़ रहा है? क्या 5 पैसे खर्च करना पड़ रहे हैं जिसमें हमारा कुछ भी खर्च नहीं हो रहा है और 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, सिर्फ 9% से भी कम लोगों को जो है ना आपके 10 लोगों को जोड़ना है? क्या हम अपने आप मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने मित्र उनको जोड़कर क्या हम 10 लोगों को भी नहीं जोड़ सकते? चलिए इस वार्तालाप को यहां विराम देते हैं। आप जो है ना देश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हेलो, हमेशा वही कहता हूँ सर, कभी जाना सर देना बंद हो।
नहीं 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 ये उससे सुखना भवंती से जो है ना काम नहीं बनेगा, आपको अपील करना पड़ेगी कि डू दिस। जब आप एक्शन प्लान बताएंगे उससे जो है ना सभी लोग जो है ना सर्वे भवंतु सुखना सर्वे भवंतु निरामया, ठीक है ना, तब होगा। लेकिन ये श्लोक पढ़ने से कोई ना निरोगी होगा ना कोई दीर्घायु होगा ना कोई सुखी होगा। सुखी होने का प्रिस्क्रिप्शन अपन जो दे रहे हैं वो हमारे उसमें होना चाहिए कि सभी लोग जुड़े, सभी लोग जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप के माध्यम से जुड़े, सभी लोग जो है ना टेलीग्राम के माध्यम से जुड़े, सभी लोग वाइबर के माध्यम से जुड़े, सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शपथ पूर्वक जो है ना अपने से अपने घर वालों को अपने पड़ोसियों को अपने मित्रों को अपने आसपास के युवाओं को अपने आसपास के बुजुर्गों को अपने आसपास के जो है ना जिन संगठनों से जुड़े हुए उनके लोगों को संकल्पित करके शपथ करके जोड़े, तो जो है जो आप कह रहे हो कि सर्वे भवंतु सुखना सर्वे भवंतु निरामया वो सब जो है ना पूरा हो जाएगा। ये ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? यदि आप इतना कम बोलते हैं कि इस पूरे जो है ना वीडियो का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। आपको एग्रेसिवली अपनी बात रखना चाहिए, जितने एग्रेसिवली मैं अपनी बात रख रहा हूं उतने एग्रेसिवली आपको अपनी बात रखना चाहिए। यदि आप असहमत हैं तो असहमति भी उतनी अग्रेशन के साथ रखिए और सहमत हैं तो उसे अग्रेशन के साथ रखिए और ऊर्जा के साथ अपील करिए। हाँ सर जी सर कहने से जो है ना कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। आप एक स्वयं टीचर हैं, आप स्टूडेंट जैसा हाँ सर जी सर क्यों कह रहे हैं? आप अपने शब्दों में स्ट्रांग भाषा में वो बात कहिए और उसी तरीके से अपील करिए।